हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और ये मैं सॉन्ग सुन रही हूँ, सॉन्ग सुनते सुनते चाय पीती रहती हूँ, सॉन्ग सुना करती हूँ। तो वही, मैं ना दो तीन दिन से बहुत गुस्से में थी, क्योंकि मेरी जो ख्वाहिशें पूरी नहीं होती ना, और मेरे साथ जो कोई विश्वासघात करता है, जो मेरा विश्वास तोड़ता है, तो मैं बहुत गुस्सा जाती हूँ उस इंसान के ऊपर। तो इस वजह से दो तीन दिन से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। और मैं ना जब गुस्सा आती हूँ तो रूम बंद कर लेती हूँ और फिर खूब चिल्लाती हूँ उस इंसान के ऊपर, उसको बहुत बद्दुआ देती हूँ। मेरी ना काली जवान है, बद्दुआ लग भी जाती है, पता नहीं क्या है। मैं खुद नहीं समझ पाती कि मैं कौन हूँ, क्या है। मैं खुद ईश्वर से पूछा करती हूँ, मैं हूँ कौन क्या, तो मुझे खुद नहीं पता अपने बारे में। मैं इतना गुस्सा आ जाती हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती हूँ। क्यों गुस्सा आ जाती है ये नहीं पता मुझे, क्योंकि खुश रहती तो खुश रहती हूँ, और जब मतलब किसी बात पे गुस्सा आ जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती हूँ। फिर अगले को संभाल पाना मुश्किल होता है, कोई भी संभाल नहीं सकता। फिर ऐसा है तो भगवान के सामने बैठ करके अपने आप को कंट्रोल करती हूँ किसी तरह। अगर विश्वास किसी ने तोड़ा है ना, तो उसको बहुत गाली देती हूँ, बहुत। मतलब रूम बंद कर लिया, खूब तेज तेज से चिल्लाती रहती हूँ, बहुत ज़्यादा चिल्लाती रहती हूँ। ऐसा क्यों मेरे साथ है ये नहीं पता। एक तो आभास हर चीज़ का हो जाता है, ये तो पता है थोड़ा बहुत, लेकिन ना गुस्सा क्यों आता है ये नहीं पता। हर किसी को आता होगा, लोग गुस्से में गाली भी दे देते हैं, ऐसा नहीं है। हर इंसान, अगर उसने उसका दिल दुखाया है किसी ने, तो फिर जब तक बदला नहीं ले लेता, उसका गुस्सा शांत नहीं होता है। हर किसी इंसान के अंदर ये चीज़ें होती हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इनको सुनती हूँ, मतलब अच्छे जो सत्संग, कुछ सत्संग वाली नॉलेज लेती रहती हूँ, जो नॉलेज ना मुझे नहीं पता था इसके बारे में। धीरे धीरे ना जब स्क्रॉल करो तो चीज़ें पता चलती रहती हैं कि ये सब चीज़ें, तो हमें लाइफ में क्या फॉलो करने चाहिए इस बारे में मैं सुना करती हूँ। और सनातन धर्म के बारे में पता चला, तो वैसे मैं इस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे पता नहीं था कि ये सभी चीज़ें होती हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें ना हम लोगों के लिए बहुत मायने रखती हैं। मुझे ये सब नहीं पता था, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मुझे कुछ बताया ही नहीं था, उनको खुद पता नहीं था, आपस में लड़ा करते थे वो लोग। लेकिन अब जैसे ना उनसे अलग रहो, तो मुझे नॉलेज गेन करने का तो शौक है ही, तो मैं इन सब को जैसे फॉलो करती हूँ। ना कई ऐसे विद्वान हैं जो अच्छी अच्छी नॉलेज देते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं, तो मुझे ये सब सुनना, नॉलेज गेन करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए मैं इन लोगों से नॉलेज लिया करती हूँ, सुना करती हूँ। कभी कभी मैं पागल हो जाती हूँ, तो इन सब को सुनती हूँ, मतलब शंका जाती हूँ। अगर मेरा कुछ पूरा नहीं होता ना, मेरा अगर कोई शौक पूरा नहीं होता है, या मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है, तो मैं शंका जाती हूँ। या मेरे साथ कोई गलत किया रहता है ना, तो जब तक मैं उससे बदला नहीं लूँगी ना, मेरा कंप्लीट नहीं होता, तो मैं गुस्सा आ जाती हूँ। खुश रहने के लिए मैं ये सब गानों को, इन सब सॉन्ग को सुन लेती हूँ, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। और कल मैं पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर गई थी, बाहर से ही दर्शन किया, लड़कियों की जो प्रॉब्लम होती है वो, तो मैं अंदर से दर्शन नहीं कर पाई, लेकिन नेक्स्ट टाइम जाऊँगी, करूँगी दर्शन। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि रखे राम, वाहे विधि रही। और वैसे भी आप लोग अपने हक के लिए क्यों नहीं लड़ते हो यार। अगर अपनी जिंदगी के डोर किसी और पे थोपोगे ना, तो वो आपके ऊपर अपनी डोर, अपनी हट, तो जो आपका दिल करता है वो करो ना, दूसरे के हिसाब से क्यों चलते हो। मीन्स कि वो अपनी अपनी जिद, अपनी हट वो आप पे थोप रहा है कि नहीं, मैंने तुमसे शादी की है, तो फिर मैं तुमको मेरे हिसाब से ही चलना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना है, आपको ज़िंदगी देखो एक बार मिलती है, तो उसको हमें बहुत अच्छे से जीना चाहिए। किसी के बंधन में रह के नहीं, अगर अगला आपसे प्यार करता रहेगा ना,
तो आपकी इच्छा के हिसाब से चलेगा। मीन्स कि कुर्बानी, प्यार का नाम होता है कुर्बानी, ठीक। तो अगर अगला प्यार करता होगा ना तो आपकी खुशी के लिए जिएगा, वो सोचेगा नहीं अगला खुश रहे मैं खुश हूँ, अगर अगला खुश है तो मैं खुश हूँ, तो फिर तो बंधन में क्यों रहना। अपने हिसाब से लाइफ जियो, मीन्स कि खुश होकर के जियो। मैं तो हमेशा सिर्फ कैमरे के सामने, शायद आपको मेरी खुशी नहीं दिखती होगी, मैं ऑफ कैमरा बहुत खुश रहती हूँ। मैंने बगल वाली शॉप मैंने खोली पार्लर की, पार्लर तो ये है बगल में बुटीक की, तो जैसे मैंने उसको ऊपर किया तो छिपकली जो वहाँ पे रहती है, तो मैंने कहा कि मैंने कहा निकलो, ओए ऐसे, मतलब जैसे ही छिपकली है तो हल्के वो हमको देख के अंदर छिप गई। हाँ, तो फिर उसके बाद मैंने कहा निकलो निकलो, मेरी दुकान है, निकलो मेरी दुकान है वो, समझी, निकलो। ये अंकल ना कुत्ता चरा रहे थे तो अंकल पूछ रहे बाहर, एक कुत्ता चराने आते हैं, तो उन्होंने कहा बेटा अंदर कौन है, तो हमने कहा अंकल जी वो छिपकली से मैं बात कर रही थी, वो मेरे दुकान में घुसी रहती है, वह मैं ना जानवरों से बात करती हूँ, मैं ईश्वर से बात करती हूँ, सामने ईश्वर की फोटो रख दी, मैं सामने ईश्वर से बात करती हूँ, जानवरों से मैं बात करती हूँ। अभी मेरे को मेरी लाइफ में ना मुझे बहुत कम लोग जान मिलते हैं, मतलब मुझे कोई एक तो मुझे कोई समझ नहीं सकता है, मैं खुद अपने आप को नहीं समझ पाती मैं हूँ कौन। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ मैं हूँ कौन, मुझे खुद नहीं पता मैं हूँ कौन, सा जाती हुई कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ये तो मैं जो है ना जानवर जो डॉगी रहते हैं उनसे मैं बात किया करती हूँ बहुत देर तक, तो उनसे मैं जो दिल की बातें होती हैं, मतलब अगर आप अकेले में जो कोई मुझे जानता होगा, बहुत कम लोग ही मतलब है, तो अकेले में जो मैं उनसे बातें करती हूँ बहुत अच्छा लगता है मुझे, उनसे बात करना मुझे बहुत अच्छा, ऐसा लगता है मैं उनसे बात कर रही हूँ, ऐसा लगता है कि वो मुझसे बात करें मैं उनसे बात करें। तो वो डॉगी को जैसे डॉगी रोज आ जाते हैं, मैं उनको खिलाती रहती हूँ, क्योंकि ना जानवरों का भी अपना दिल होता है, नहीं उनकी केयर करने वाला कोई होना चाहिए, तो मैं उनको खिलाती रहती हूँ, कहीं दिख गई तो ऐसा नहीं कि वो गोदी में लेके खिला, ऐसा नहीं, उसको मतलब एक हाथ का स्पर्श दे के भी उनको अपना प्यार जताया जा सकता है। तो ऐसा तो छिपकली वहीं पे रहती है, मुझे जैसे मैंने दुकान खोली वो चली गई, फिर और खिसक रही और खिसक रही, मैंने कहा निकलो निकलो मेरी दुकान है निकलो। भाई खुश रहो लाइफ में, और जो आपका मन करता है जो आपका दिल करता है ना वो करो, बंधन में रहोगे तो अपनी लाइफ कभी नहीं जी पाओगे, कभी भी नहीं जी पाओगे, और जो आपसे प्यार करता होगा ना फिर वो आपको बंधन में कभी नहीं रखा। मैंने अपने प्यार को अपने बंधन में कभी नहीं रखा, मैंने कहा मेरे सामने जो कुछ भी मत करो, जो करना है तुम पीठ पीछे कुछ भी करो, तुम्हें जिससे मिलना है पीठ पीछे मिलो, मेरे सामने नहीं, क्योंकि मुझे दर्द होगा इसलिए। तो अगर मेरे प्यार का अगर मैं जिससे प्यार करती हूँ ना तो उसकी फुल मतलब उससे भी आज़ादी देनी चाहिए, अगर आप उसे प्यार करते हो ना तो उसको आज़ादी दो, क्योंकि ना उसकी भी अपनी लाइफ है यार, मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हारे साथ शादी किया तो वो बंधन में रहेगा, ऐसा नहीं है, उसको बंधन में नहीं रखो, क्योंकि ना एक बार तो लाइफ मिलती है, इंसान की ज़िंदगी एक बार मिलती है, उसको खुल के जीना चाहिए, और ना इन लोगों से जो ऐसे ऐसे लोग हैं जो फिजूल का दो चार पैसे के लिए लड़ाई करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को तुरंत अपनी लाइफ से निकाल दो, और मतलब बिल्कुल भी इनको अपनी लाइफ में एंट्री मत दो, एक बार देख लो कि इसने मेरे साथ गलत किया, क्योंकि ना मेरे साथ जैसे एक लड़की रहती थी तो मैंने उसकी मतलब बहुत केयर की, पैसे से भी मजबूत उसको बनाया, फिर वो मेरे साथ धोखा करने लगी, मीन्स कि मेरे कपड़े ले जाती थी, मेरे अच्छे अच्छे कपड़े उठा ले गई, मैंने कुछ मैं देखती थी, मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने अपने पार्टनर से ये बात बताई कि देखो ऐसा ऐसा कर रही है वो, तो उसने कहा छोड़ो क्या करना है, तो मतलब मैंने क्योंकि ना मेरा एक कोई पर्सनल
रहता है, एक ही था, वो अब इस लाइफ में नहीं है। मैं उसको सारी बातें शेयर करती थी, सारे दिल की बातें वो मेरे को बताता था, मैं उसको बताती थी। हम लोग साथ में बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे, लाइफ में बहुत खुश थे। उसने मुझे अपने मतलब ज़्यादा अपने थोपी नहीं, अपनी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा थोपी नहीं, मैं अपने हिसाब से खुश रहती थी। हम लोग खाते पीते उसको, मैं जब तक उसको खिलाती नहीं थी मेरा दिन कंप्लीट नहीं होता था, वो मेरे हाथ से ही खाना खाता था। तो ऐसा है, मैं उसको हमेशा बच्चे की तरह, हम लोग एक दूसरे को बच्चा बाबू कहते थे। तो बहुत अच्छा लगता था ये सब चीज़ें, जो कि ईश्वर ने, उसकी क्या गलती रही होगी पिछले जन्म में मुझे पता नहीं, ईश्वर ने उसको छीन लिया। लेकिन हम लोगों का ना, जब तक हम लोग 8 साल हम लोग साथ में थे, बहुत अच्छे से थे, लड़ाई झगड़ा किसके बीच नहीं होता है, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा होती रहती थी, जो कि मैं खुद कर, वो नहीं करता, मैं खुद कर लड़ाई कर लेती थी। अगर उसके फ़ोन पे लड़की की कॉल भी आ गई ना, तो मैं गुस्सा आ जाती थी। वो किस पर्पज से उसने कॉल किया है ये मुझे नहीं पता रहता था, लेकिन मैं गुस्सा आ जाती थी। तो मुझे पसंद नहीं था कि उसको मेरे ना, वो मतलब उसकी कार थी, उसने मेरे लिए ही कार ले रखी थी। तो हम लोग उस कार से घूमते थे, उसकी मम्मी जो है, हम दोनों की खुशी चाहती थी, थोड़ा बहुत हम ही डाउन थे। तो उसकी मम्मी ना, मैंने इंस्टाग्राम से, हम लोगों ने बहुत रील्स बनाई थी, टिकटॉक जब चलता था तब, तो हम लोगों ने बहुत रील्स बनाई थी। तो मैंने उसके साथ बहुत वीडियो डाली थी, जो कि मैंने डिलीट कर दी, फ़ोटोज़ वीडियोज़ सब डिलीट कर दी। एक सर्च कर रही थी ना, तो मुझे एक अभी इंस्टाग्राम पे पड़ी है, तो आई होप को मुझे डर अब नहीं लग रहा है, तो मैं उसको क्यों डिलीट करूँ, पता नहीं क्यों इंसान छीन लेते हैं, ईश्वर क्यों छीन लेते हैं। जब वो मुझसे लड़ाई करके दूर रहता था, तो मैं खुश रहती थी। तो वो सोचता था कि मेरे बगैर ये कैसे खुश रहती है। सोचता था तू मेरे बगैर काहे खुश रहती हूँ। तो हमने कहा क्यों खुश ना रहे, क्या तुम लड़ाई करके खुद चले जाओ, तो मैं क्या करूँ। तो हम लोगों की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छी, पता नहीं कितनी नजर लग गई। हम लोग बहुत खुश थे, उसका जीना नहीं लिखा था, मतलब उसका लाइफ में रहना नहीं लिखा था। इंस्टाग्राम सब कुछ, सारी फ़ोटो हम लोग साथ में फ़ोटो भी खिंचाए थे, उसकी सारी है एल्बम थी, सब डिलीट कर दी मैंने सब, क्योंकि उसकी मैं एक ही यादें नहीं रखना चाहती, एक ही यादें कुछ भी नहीं रखना चाहती। हम लोग का 8 साल का रिलेशन था, शादी नहीं लिखी थी, इस वजह से हम लोगों की शादी नहीं हुई। लेकिन हम लोग एक दूसरे को पति पति ही मानते थे, और बेकायदा मैं सिंदूर भी लगाती थी उसके नाम का, तो मंगलसूत्र भी पहनती थी। उसकी मम्मी ने सब मतलब शादी के लिए सब सारे सब कुछ ले लिया था, लहंगा लहंगा ज्वेलरी सब ले ली थी कि हम लोग की शादी हो जाए। लेकिन जब ऊपर वाले की मर्जी जब तक नहीं होती है ना, तब तक शादी नहीं होती। 8 साल रहने के बावजूद भी उनकी शादी नहीं हुई, तो सोचो। लेकिन तब भी हम लोग अलग नहीं हुए, कि हम लोग का दिल का रिश्ता बन गया था, एक पति पत्नी वाला रिश्ता बन गया था, जो कि इस ये जो रूढ़िवादी लोग जो होते हैं इसको गलत मानते हैं, प्यार को गलत मानते हैं। क्योंकि लड़कियां एक बार जिससे दिल से रिश्ता बना लेती है ना, तो मरते दम तक छोड़ती नहीं है। तो ऐसा नहीं है, कोई अगर प्यार करे तो उसको गलत मत मानिए, क्योंकि वो उस इंसान को अपना पति मानती है, दिल से वो अपना पति मानती है। और प्यार भी करो ना, तो सोच समझ के करो कि क्या वो खुश रखेगा मेरे को, तो इस हिसाब से करो। आप गर्ल्स जो है, आप गर्ल्स ना हर किसी पे विश्वास मत करो, मतलब जो लगे कि हाँ आपकी इन फ्यूचर आपकी केयर कर पाए उसके साथ। प्यार में इंसान अंधा हो जाता है, प्यार में भैया अंधे बंधे ना हो, जिसके साथ तुम्हें बिताना ही है, नहीं कि तुमको दलदल में ले जाए के डाल दे, उसके साथ शादी करो जो लाइफ टाइम आपको खुश रखे जी। और भैया जो रूढ़िवादी हैं, जो इस प्यार को गलत मानते हैं, तो प्लीज़ इस पुरानी तरीक़ों से, ओल्ड फैशन से होके, ओल्ड तरीक़ों से होकर के न्यू फैशन में आइए,
समाज पे क्या हो रहा है, ये देखो, ये मत देखो वो किसके साथ घूम रही है, क्योंकि आजकल ये सब चल रहा है यार, नॉर्मल है ये सब, आजकल नॉर्मल है हर जगह लोग कपल्स जो है अपने हिसाब से अपना पार्टनर वो चुन सकते हैं, वो निकलो उस चीज़ से निकलो, ये हर अपने आप को न्यू ट्रेंड के हिसाब से क्या समाज में चल रहा है उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है, तुम्हारे हिसाब से थोड़ी कोई चलेगा, न्यू ट्रेंड के हिसाब से चलो ना, अपना पार्टनर लड़कियां आजकल खुद चुनती हैं, उनको चुनने का हक है, लेकिन हाँ लड़कियों को भी सोच समझ के अपना लाइफ पार्टनर चुनने का हक है, तो खुद माँ बाप को भी ये चीज़ समझना चाहिए, क्योंकि वो अपने हिसाब से अपना लाइफ पार्टनर चॉइस कर रही हैं, तो उनको भी हक देना चाहिए। मेरे फैमिली में लाइक मैंने अपने पापा को चेंज किया, अपने भाई बहन को सबको चेंज किया, क्योंकि बहुत हम लोग गाँव से बिलोंग करते हैं, ठीक, तो मैंने आप जानते हैं कि कहाँ से मैं यहाँ तक आई हूँ, लोग सोचते हैं कि ऐसा कैसे चेंजेस आया है, तो फिर मैंने आपको अपने आप को बदला, अपने आप को बदलो, चेंज करो, समाज के हिसाब से चलो, ये नहीं कि पुरानी अपने तरीक़ों से चलो, पुराने हिसाब से चलो, ऐसा नहीं, पुरानी रीति रिवाजों को अपनाओ लेकिन पुराने हिसाब से मत चलो, समाज के हिसाब से चलोगे तो आप लाइफ में खुश रहोगे, चेंजिंग लाइफ में बहुत ज़रूरी होती है, अपने आप को समय के हिसाब से ढालो, चेंज करो, चेंजिंग को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं अब जो पिछला था हो गया, जो न्यू आने वाला उसके हिसाब से हमें खुश रहना है, उसके साथ हमें खुश रहना है, ऐसे इस तरीके से हमें अपना जो है ज़िंदगी को बिताना है, इस तरीके से आप लाइफ में आगे बढ़ो और दोनों लोग कमाओ, लाइफ पार्टनर जो है आजकल दोनों लोग जॉब करते हैं, दोनों लोग कमाते हैं, तो इस तरीके से दोनों लोग जॉब करो और ना अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो कि मेरे साथ जो लाइफ पार्टनर है वो खुश है एंड आप खुश हो, तो इस हिसाब से जियो ना, और दूसरों को भी खुश रखो, ऐसा नहीं कि मैंने तो अपने फ्यूचर के लिए बहुत कुछ सोचा है, बहुत कुछ सोचा नहीं, थोड़ा बहुत सोचा है, क्योंकि सनका जाती हूँ तो फिर कंट्रोल करना मुश्किल होता है ना, तो फिर ईश्वर के सामने बैठ जाती हूँ ताकि मेरा दिमाग, मैं खुद नहीं समझ पाती मैं हूँ कौन, तो मेरा जब पगला जाती हूँ मतलब सनका जाती हूँ ना, गुस्सा आती है तो बहुत ज़्यादा सनका जाती हूँ, तो गुस्सा कंट्रोल करना मुश्किल होता है मेरे लिए, खुद के लिए जब गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती तब, तो फिर तो मैं गुस्सा होती हूँ तो बोल देती हूँ सॉरी, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, बकवास बहुत करती हूँ, बाय।